ये जो ब्लॉगिंग होती है ना, ये ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप सही कदम और सही टूल्स नहीं यूज करोगे ना, तो आप ब्लॉगिंग में सफल नहीं हो पाओगे। और जो ये अर्निंग आप देख रहे हो ना, इस टाइप की रेवेन्यू अगर आपको जनरेट करना है, तो आपको सही स्टेप्स भी लेने हैं और सही टूल्स को फॉलो करना है। और इसी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टूल्स आपको यूज करने चाहिए ब्लॉगिंग अगर आप करते हो। और डेफिनेटली आप प्लगइन्स की तरफ मत भागो, जैसे कि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन प्लगइन नहीं है। आप प्लगइन के बारे में अगर सोच रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा कम कर रहे हो। तो इसीलिए कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आप उनको यूज करोगे ना, तो आपको ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब ये जो रेवेन्यू देख रहे हो, लेट मी रिफ्रेश इट, यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये कोई फेक डेटा नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे फेक डेटा शो किया जाता है, ठीक है, तो ये फेक डेटा नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश मैंने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आपको कौन कौन से ब्लॉगिंग टूल्स यूज करने चाहिए। देखो, जब नया ब्लॉगर आता है ना, जो भी नया बिगिनर ब्लॉगर होता है या अभी वो कर रहा है 2-4 महीने से ब्लॉगिंग, तो वो उसको 4 महीने 6 महीने इसी चीज़ में लग जाते हैं कि वो सीखता ही रह जाता है कि हाँ, मैं इस प्लगइन से ये कर लूँगा, उस प्लगइन से ये कर लूँगा। लेकिन मैं फ्रेंकली बताता हूँ कि आपको बहुत सारे प्लगइन यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक तो आपको SEO के लिए योस्ट SEO या रैंक मैथ यूज करना होता है, और इमेज के लिए आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे प्लगइन यूज नहीं करना चाहिए, ताकि इमेज को आपको कंप्रेस करके उसे छोटा बनाए, ऐसा वगैरह कुछ नहीं है। आपको बाहर से ही इमेज वगैरह कंप्रेस कर लेना चाहिए, तो वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको 5 ऐसे टूल्स बताऊंगा जो ब्लॉगिंग में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला टूल्स है हमारा, वो है HRF कीवर्ड जनरेटर। जी हाँ, HRF कीवर्ड जनरेटर क्या करता है ना, आपको बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स निकाल के दे सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्न मनी, ठीक है। तो यहाँ पे अर्न मनी लिखने के बाद यहाँ पे आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंडिया सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे इंडिया मैंने सिलेक्ट किया, और फाइंड कीवर्ड्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करोगे, ये वेरीफाई करेगा कि कहीं ये बॉट ट्रैफिक वगैरह तो नहीं है, और जैसे ही सक्सेस होगा, आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पे मिलेंगे, और बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड मिलेंगे, ठीक है। तो आप इन कीवर्ड को यूज कर सकते हो अपना ब्लॉग पोस्ट बनाने के लिए, और ब्लॉग पोस्ट बनाकर यहाँ से आप कीवर्ड बेसिकली निकाल सकते हो। तो ये बिल्कुल फ्री है, फ्री कीवर्ड जनरेटर है, और ये HRF का है, ठीक है। तो ये पहला टूल हो गया जो हमें यूज करना चाहिए। अब यहाँ से कीवर्ड निकालने के बाद ना, आप ऑल इन टाइटल करो कि कितने लोगों ने इन कीवर्ड पे काम किया है, और उसके बाद उस पर पोस्ट लिखना। ऑल इन टाइटल, ऑल इन URL आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। अभी मैं बता ही देता हूँ आपको क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं, फाइंड कीवर्ड पे क्लिक कर लेते हैं एक बार अगेन, और मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड ले लेता हूँ, और गूगल में उसे मैं दिखाता हूँ कि इन कीवर्ड्स पे कितने लोगों ने काम किया, आप कैसे पता करोगे। तो यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, ऐसा हम लॉन्ग टेल कोई कीवर्ड उठाएंगे जो यहाँ पे काफ़ी कम लोगों ने टारगेट किया हो, ठीक है। तो हम ये कीवर्ड कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको गूगल में जाना है। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखना है ऑल इन टाइटल, और उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद आपको अपना कीवर्ड यहाँ पे डाल देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डाला है, और आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। और जैसे ही आप सर्च करोगे ना, तो आपको दिख जाएगा टोटल कितना रिजल्ट है, अबाउट 51 रिजल्ट्स यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि 51 लोगों ने इस कीवर्ड को टारगेट करके यहाँ पे अपना बेसिकली ब्लॉग पोस्ट बनाया है। तो आप भी ऐसे बना सकते हो, 51 रिजल्ट है, तो आप चाहो तो इसे बनाकर उसमें रैंक भी कर सकते हो। तो पहला हमारा जो टूल है वो है कि HRF कीवर्ड जनरेटर टूल है, जो बहुत ही बढ़िया टूल है। दूसरे टूल की बात करें तो दूसरा टूल हमारा है वो है कन्वर्टियो। जी हाँ, कन्वर्टियो एक ऐसा टूल है ना, जो आपकी इमेजेस को कन्वर्ट कर देता है WebP फॉर्मेट में। जैसे कि आप जो भी इमेज बनाते हो PNG, JPG फॉर्मेट में बनाते हो, तो उसे आप पहले जो भी फीचर्ड इमेज या कोई भी पोस्ट के अंदर इमेज यूज करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, JPG से WebP में उसे कन्वर्ट कर लेना है, और WebP में कन्वर्ट करने के बाद ही उसे आपको यूज करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, इमेज फटाफट लोड होगा, और साथ ही साथ अगर आप कोई प्लगइन यूज कर रहे हो इमेज की साइज को छोटा करने के लिए, उसे कंप्रेस करने के लिए, तो वो प्लगइन आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट की एक एक्स्ट्रा जो लोड डाल रहा था वो प्लगइन, वो भी आपका हट जाएगा। तो इसलिए कन्वर्टियो टूल का यूज कर सकते हो आप, बहुत ही अच्छा ये टूल है, मैं इसी को यूज करता हूँ, ठीक है। और अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे थर्ड प्लगइन के बारे में, थर्ड
टूल्स के बारे में, ये है हमारा HRF का ही फ्री AI पैराग्राफ रीराइटर। अब ये क्या करता है ना, कोई पैराग्राफ है जो, ठीक है, जो लिखा गया है, तो उस पैराग्राफ को यहाँ पे आप पेस्ट करोगे और क्या करोगे, यहाँ पे आप अपना टोन सिलेक्ट कर सकते हो कि किस लैंग्वेज में उस पैराग्राफ को ये रीराइट कर दे, जैसे फ्रेंडली, कैजुअल, प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंट, जिस टाइप का आप टोन देना चाहते हो ना उस टोन में वो रीराइट कर देगा और वो आपका यूनिक पैराग्राफ बना के दे देगा। ठीक है, तो फ्रेंडली कर देना, फ्रेंडली काफ़ी अच्छा होता है, मैंने यूज किया है। और यहाँ पे रीराइट पैराग्राफ पे क्लिक करोगे ना तो एक नया वर्जन आपका मिल जाएगा रीराइट होके उसी पैराग्राफ का, और उसका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो ये तो प्लेगरिज्म फ्री उसे बना देता है, साथ ही साथ आप बहुत सारे रीराइट करके बहुत सारा कंटेंट भी बना सकते हो। तो ये इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है मेरे हिसाब से। तो आप फ्री AI पैराग्राफ रीराइटर का यूज कर सकते हो। तो अब आते हैं हमारे फोर्थ नंबर पर, वो है दोस्तों डुप्लीचेकर का हमारा यहाँ पे साइज रिड्यूसर। अब ये जो टूल क्या करता है ना, जैसे मान लेते हैं आपकी कोई इमेज है जो 500 KB की है, ठीक है। अब 500 KB बहुत ज़्यादा होता है इमेज की साइज, अगर आप देखोगे अपनी वेबसाइट में उसे यूज करोगे तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी ही आपकी साइट की स्पीड कम हो जाएगी। बस 10-12 पोस्ट आप लिख लो, आपकी साइट की एकदम स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो और अपने इमेज को 500 KB की इमेज है उसे यहाँ पे आप कंप्रेस करते हो ना, एक बार यहाँ पे अपलोड करके कंप्रेस कर देते हो, तो जो उसकी साइज होती है ना 500 KB से सीधे 50 KB पे आ जाएगी। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आपकी इमेज की साइज बेसिकली कम रहे और क्वालिटी भी ना उसका रिड्यूस हो, तो आप ये डुप्लीचेकर का आप ये रिड्यूस करने वाला जो टूल है इसे यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे भी बहुत सारे टूल आपको मिल जाएंगे, अगर आपको ज़रूरत हो तो यहाँ से यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये टूल बहुत अच्छा है। ठीक है, रिड्यूस इमेज साइज इन KB, तो ये बहुत अच्छा टूल है, इसे भी आपको यूज करना है अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं अपना लास्ट हमारा टूल है, वो है दोस्तों गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल यूज करने का मतलब है कि गूगल को आप खुद बता रहे हो कि हमारी ये वेबसाइट है, आप इसे देखो, मैं जो भी पब्लिश कर रहा हूँ पोस्ट, इसे आप इंडेक्स करो, क्रॉल करो, और इसे रैंक करने लायक है तो रैंक करो। गूगल को खुद बताते हो आप कि हमारी ये वेबसाइट है, तो इसीलिए आपको ये टूल यूज करना चाहिए जो आपको गूगल सर्च कंसोल है। और इसमें आप साइट मैप्स वगैरह डाल सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो कि हमारे कौन से पोस्ट यहाँ पे इंडेक्स हो रहे हैं, कौन से पोस्ट अभी इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ से कितने लिंक्स आपके बन रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स पे आपके सर्च आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया टूल है। तो ये रहे 5 टूल जो आपको यूज करने चाहिए अपने ब्लॉगिंग को ग्रो करने के लिए, ब्लॉगिंग कैरियर को ग्रो करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना, और ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल पे बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं जो डेफिनेटली आपको देखने चाहिए और ब्लॉगिंग में ग्रो करना चाहिए। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।